हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। चलिए आज एक पुलाव बनाते हैं जो बहुत यूनिक है और बहुत स्वादिष्ट है। जुबान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और बना रहा हूं मैं कोरिएंडर कोकोनट पुलाव। वाह, सुन के मजा आया ना आपको। पर सबसे पहले क्या करना है, हेलो जी, घी ले लेते हैं। ये एक बड़ा चम्मच लिया मैंने। सब लोग चिल्लाते हैं मेरे पर, अरे इतना घी डालते हो। अरे भाई, पुलाव बनेगा तो घी डलेगा ना। तेज पत्ता डाल देते हैं, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग सब डाल देते हैं, हैं? क्या समझे? और इसके साथ जीरा डाल देते हैं, छोटा चम्मच ऊंट के मुंह में। चलिए थोड़ा प्याज डाल लें। नहीं खाते तो कोई जरूरी नहीं है प्याज डालना। जो लोग खाते हैं, थोड़ा सा प्याज डाल के भून लें। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन है दो। क्या है ऑप्शन? या तो धनिया चॉप करके डालें या धनिया पीस के डालें। मैं सोच रहा हूँ पीस के डालूँ, ठीक है? तो इसलिए पूरा धनिया, हरी मिर्चें, इसी में अदरक डाल देता हूँ, इसी में थोड़ा पुदीना डाल देता हूँ और चटनी की तरह पीस लेता हूँ, ठीक है? और पीसते वक्त थोड़ा नारियल भी डाल देता हूँ, फ्रेश वाला। पानी डाल देते हैं। ये मैंने इसको चटनी नहीं बनाया पूरा, है ना, हल्का सा पीसा है। यहां प्याज की मिठास आएगी। ये लीजिए, प्याज की मिठास आ गई। सब्जियां डाल लें, ये गाजर, बीन्स, हरे मटर, ये ऑप्शनल है, ये डालना डालें, नहीं डालना मत डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, जस्ट मसालेदार बना रहा हूँ इसीलिए ये डाल रहा हूँ। अब भूनिए इसको, अदरक लहसुन का पेस्ट जला करके इसको भूनिए 4-5 मिनट तक, ठीक है जी। भूनना ज़रूरी है। ऐसे में नमक शमक भी कर लीजिए, नमक शमक चलिए अब थोड़ा मसाला डाल लेते हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, ठीक है, हो गया। इतना ही सा डालना, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा वो प्लेन कलर ना रहे करके मैं ये मसाले डाल रहा हूँ। और साथ साथ ही भून लें इसको। एक टिप दे देता हूँ, जैसे मैंने अभी कुछ किया तो आपको लगा होगा अरे यार ये तो पहले डालना चाहिए था। करेक्ट, अदरक लहसुन सब्जियों के पहले डलता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन जब सब्जियाँ डल जाए तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? आपको तब तक भूनना है जब तक वो अदरक लहसुन का फ्लेवर आपको स्मेल में पता चल जाएगा। वो जाना चाहिए, वो भुना हुआ एक फ्लेवर आएगा, वो जाए तो ही नेक्स्ट स्टेप। अभी मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस ऑलमोस्ट चले गया है। इसीलिए भुनाई जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभार स्टेप बनाते वक्त मिस हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अब मैनेज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से नारियल डाल लेते हैं। ये देखिए काफ़ी सारा, एक पूरा नारियल डाल दीजिए, कोकोनट मिल्क डाल दीजिए, ठीक है, 1 कप। आहा क्या बात है, ये डाल दिया। अब राइस डाल देते हैं, वाह। चलिए पानी डाल लेते हैं, पानी डाल लिया। फाइनली इंपॉर्टेंट चीज जो किस्मत बदलेगी, ये है मेरी चटनी, यानी कोरिएंडर मेन इंग्रेडिएंट, ठीक है जी। ये डाल दिया, अब इसकी रंगत देखिए कैसे बदल गई। कोरिएंडर कोकोनट पुलाव, वाह, पूरी रंगत बदल गई, फ्लेवर बदल गया। अब ढक्कन लगाएं, 3 विसिल तक पकाएं।
और उसके बाद प्यार से खाएं। चलिए जी, हाँ हाँ, पुलाव, क्या बात है, एकदम बढ़िया, खुशबूदार, बढ़िया लग रहा है पुलाव, और परोसने के लिए हम तैयार हैं। अब मेरे को अब समझ में आ रहा है कि ये इतना लोग पसंद क्यों कर रहे हैं। ये देखिए अपने आप में, ये इतना बढ़िया लग रहा है, पूछिए मत, वाह वाह, कोकोनट कोरिएंडर पुलाव, भाई देख के मजा आ गया, और ये इतना बढ़िया लग रहा है, पूछिए मत, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, अब आपके लिए बन गई है, आप भी बना के खाइएगा, बहुत मजा आएगा आपको।